हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डांसर क्लासेस। लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड विथ द आइडिया ऑफ अल्फ्रेड सोच फेनोमेनोलॉजी, प्रकटन शास्त्र की शुरुआत किए थे। अल्फ्रेड सोच की जो बेसिक कंसेप्ट है, आज हम शुरू करते हैं इंटर सब्जेक्टिविटी, अंतर विषयकता या अंतर विषय वस्तु। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्फ्रेड सोच। वाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज वी आर लिविंग इन ए वर्ल्ड, इट्स नॉट ए प्राइवेट वर्ल्ड। प्राइवेट मीन्स ये जो संसार, ये पूरी दुनिया है, किसी एक व्यक्ति का अपना नहीं है, ये सबका है। सो दैट मीन्स द वर्ल्ड इज क्रिएटेड थ्रू ऑल एंड इट इज इंटर सब्जेक्टिव। ये सबके लिए कॉमन है। ये एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। तो इसीलिए इस वर्ल्ड को हम कहते हैं इंटर सब्जेक्टिव वर्ल्ड। हियर द आइडिया इज अबाउट दैट इट इज नॉट नेसेसरली यू विल बी प्रेजेंट एवरीवेयर, बट यू कैन नो अदर्स, यू कैन नो अदर थिंग्स इवन इट इज नॉट योर्स। अगर एक व्यक्ति का अपना नहीं है, फिर भी सबके साथ जुड़े रहना, सबके बारे में जानना, ये इस दुनिया का इंपॉर्टेंस है। इसलिए हम कहते हैं इंटर सब्जेक्टिव वर्ल्ड। आई गिव एन एग्जाम्पल। सपोज यू आर नॉट बिलोंग टू ए ट्राइबल कम्युनिटी, बट यू नो अबाउट द ट्राइब्स, हाउ द ट्राइबल कल्चर, वॉट आर द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ, बिकॉज द सब्जेक्ट ऑफ ट्राइब्स इज नॉट इवन प्राइवेट फॉर देम, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जिस समाज में, जिस संसार में, जिस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में हर चीज, हर व्यक्ति एक दूसरे के बारे में जानकारी हो जाती है, जो कल्चर हो या जो भी उनकी लाइफ स्टाइल्स हो, जिस तरीके से हम उस दुनिया को समझते हैं, तो ये मानते हैं ये सबकी दुनिया है। और इस दुनिया को हम कहते हैं साझा दुनिया या शेयर्ड वर्ल्ड। सो इंटर सब्जेक्टिव वर्ल्ड मीन्स इट एग्जिस्ट बिकॉज वी आर लिविंग विद अदर्स, वी अंडरस्टैंड अदर्स एंड अदर्स ऑल्सो अंडरस्टैंड अस, एंड वी नो अबाउट अदर्स, अदर्स ऑल्सो नो अबाउट अस। सो दिस इज द वे दैट इंटर सब्जेक्टिविटी मीन्स। जब आप इंटर सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, तो उस जगह पे हम कहते हैं जी कैसे अल्फ्रेड सूज उसको फिलोसॉफिकली क्यों ऐसे बातें करते हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है। बिकॉज जो शुरुआत में मैंने फेनोमेनोलॉजी को बताया था, फाइव सेंस में जो हम अपनी दुनिया को समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और इसीलिए एक सब्जेक्टिविटी क्रिएट होता है सबके पास। बिकॉज आई हैव माई फाइव सेंसेस, पांच इंद्रिय, मैं अपनी तरीके से समझता हूँ, और बहुत सारे लोग हैं वो अपनी 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 तरीके से समझते हैं, बट ये एक दूसरे के साथ एक रेसिप्रोसिटी, जो हम कहते हैं साथ रहने के लिए एक कंसेंसुअल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, इसलिए हम आसानी से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। सो दैट मीन्स इंटर सब्जेक्टिविटी अलाउज टू क्रिएट ए कंसेंसस आउट ऑफ दिस सब्जेक्टिविटी। तो ये जो व्यक्तिनिष्ठता हमारी अंडरस्टैंडिंग में है, उस व्यक्तिनिष्ठता को हम एक शेयर वर्ल्ड तक कन्वर्ट करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द इंटर सब्जेक्टिविटी। अगर इंटर सब्जेक्टिविटी ना होता, तो हम एक दूसरे के बारे में ना जान पाते, ना समझ पाते हैं दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे की मीनिंग क्या है। तो एक दूसरे के बात समझना और साथ रहना, एक्सेप्ट करना, सबकी डिफरेंसेस के बावजूद भी यू एक्सेप्ट दैट वर्ल्ड एज ए शेयर्ड वर्ल्ड, एंड दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ
the intersubjectivity. Another important concept जिसको आप natural attitude कहते हैं, ये natural attitude हासिल इस बात को that हम अपनी everyday life के साथ कैसे जोड़ते हैं, हम कैसे behave करते हैं, किस तरीके से अपने आप को represent करते हैं, किस तरीके से हम उस different conditions को situation को सामना करते हैं, और इस बारे में natural attitude कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो स्वयं आपको क्या करना है, किस परिस्थिति में कैसे अपने आप को हैंडल करना, ये हमारी एक नेचुरल एटीट्यूड दैट डेवलप्स आउट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। हम जब दैनिक जीवन को जीते हैं, व्हेन वी एक्सपीरियंस एंड लिव आवर एवरीडे लाइफ, वी डेवलप एन एटीट्यूड व्हिच इज नेचुरल दैट कम्स स्पॉन्टेनियसली नेचुरली टू एनकाउंटर डिफरेंट सिचुएशंस circumstances or conditions। तो इतने सारे differences, different conditions को हम everyday life में जो सामना करते हैं, तो हमेशा हमको कोई guide नहीं करता है जैसे इस situation में क्या करना है। We do something on our own, so that we call the natural attitude। तो हम जो activities, हम जो चीजों को करने के लिए पाने के लिए करते हैं, तो कुछ चीजें हम अपने अंदर develop करते हैं बिकॉज इट डेवलप्स आउट ऑफ आवर कॉमन सेंस। तो हमेशा कोई नहीं बताएगा कि यहाँ हाथ जल जाएगा या यहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आप अपने आप को सतर्क करते हो, हटा देते हो, समझते हो, इवन विद इन योर डोमेस्टिक लाइफ और इवन इन पब्लिक लाइफ। तो आपकी निजी जिंदगी हो या एक बाहरी जिंदगी जिसको आप पब्लिक स्पेस में कहते हो, वहां पे भी अपनी एक नेचुरल एटीट्यूड डेवलप होती है जिस माध्यम से आप अपने आप को संभालते हो, अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, अपने आप को सामना करते हो। सो दैट फैमिलियरिटी विथ आवर एटीट्यूड, दैट एटीट्यूड डेवलप्स आउट ऑफ आवर कॉमन सेंस, that becomes the natural attitude which comes automatically. So even we face different festivals, different cultural programs, different activities, different rituals, so we do something out of our own sense, that is common sense, and we accept it as a natural attitude. So for this we develop this out of our everyday life which we do it in our experience। तो हम अपने दैनिक जीवन को जिस तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, उस एक्सपीरियंस से हम अपने एक कॉमन सेंस को डेवलप करते हैं और उसी तरीके से हम अपने दैनिक जीवन को सामना करते हैं, फेस करते हैं, एंड दैट इज द वे द नेचुरल एटीट्यूड डेवलप्स। ये जो लाइफ वर्ल्ड की जो नेचुरल एटीट्यूड हो, ये जो साझा दुनिया शेयर्ड वर्ल्ड हो, दिस इज टेकन फॉर ग्रांटेड अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड सूज एंड इट आल्सो एक्सेप्टेड बाय हसल। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं, वो उस समाज में जब हम कुछ करते हैं और उसको एक कलेक्टिव कंसेंस जिसको आप कहते हो, सभी लोग सर्वसम्मति से सबकी सहमति है, उसको एक्सेप्ट करते हैं। सो वी डू लाइक दिस व्हिच इज टेकन फॉर ग्रांटेड, which is accepted without any doubt, which is not even questioned। तो ये जो world है, जो shared world है, वो taken for granted, it is accepted by the society, it is accepted or in our everyday life, so that is why it is taken for granted। And also we do not experience the life world as a private world। जैसे कि मैंने कहा, जो संसार में हम लोग जीवन में पूरी दुनिया में हम लोगों की जो लाइफ स्टाइल से ऐसा कुछ भी नहीं है विच इज एक्सक्लूसिवली ओनली अप्रोप्रिएट टू वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो हमारे साथ जो भी घटना है, उसी तरह घटना किसी और के साथ भी हो सकता है। हमारे लाइफ स्टाइल्स में जो भी कुछ होती है, वो कोई ऐसा चीज नहीं है जो प्राइवेट है। इवन इट इज यू फील दैट आई वॉन्ट शेयर, बट इट इज एक्सेप्टेड दैट इट इज ऑल्सो सेम एक्सपीरियंस इज हैपेंड बाय अदर्स ऑल्सो। तो इसका मतलब अगर आपको लगता है
जी आपके साथ कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, आप उसको दिखाना नहीं चाहते हो, बताना नहीं चाहते हो, छुपाना चाहते हो, सो इट डजेंट मीन दैट अदर्स डोंट क्राई, अदर्स डोंट लाई, अदर्स डोंट डोंट वांट टू डिस्क्लोज. तो ऐसा भी और लोग भी करते हैं. सो दैट मीन्स एवरीथिंग एनीथिंग हैपेंस टू एनी इंडिविजुअल, इट इज पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड व्हिच इज नॉट प्राइवेट वर्ल्ड, रदर वी कॉल इट इज ए शेयर्ड वर्ल्ड. ये एक साझा दुनिया है. हुएवर एक्सपीरियंस, व्हाट एवर यू एक्सपीरियंस, सो इट इज नॉट एग्जैक्टली ओनली अप्रोप्रिएट टू यू और एक्सपीरियंस्ड बाय यू. इट मे हैपन विथ एनीबॉडी एल्स इन एनी अदर सिचुएशंस. सो दैट इज व्हाई देयर इज एन इंटरसब्जेक्टिविटी, देयर इज ए शेयर्ड वर्ल्ड, एंड दिस वर्ल्ड इज ए टेकन फॉर ग्रांटेड वर्ल्ड, एंड दैट वर्ल्ड इज एक्सेप्टेड, एक्सपीरियंस्ड, लर्न्ड, शेयर्ड, एंड वी कॉल इट इज ए फेनोमेनोलॉजिकल वर्ल्ड. और इसी को प्रघटन शास्त्र की दुनिया कहते हैं, जिस दुनिया को हम साझा दुनिया कहते हैं, जिस दुनिया के साथ हम जीते हैं, जिस दुनिया को हम समझते हैं, जिस दुनिया के साथ हमारी दैनिक जीवन बीतता है, एंड दैट इज कॉल्ड द आइडिया ऑफ इंटरसब्जेक्टिविटी एंड द आइडिया ऑफ नेचुरल एटीट्यूड एंड द फेनोमेनोलॉजिकल वर्ल्ड. We'll continue Alfred Schultz's other ideas. Thank you for watching Nalsar classes. Thank you.